नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के स्टडीशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह नई नई जानकारी के लिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदक आज भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। क्या है दोस्तों पूरा न्यूज, चलिए देख लेते हैं। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में उत्तीर्ण हुए आवेदक वृद्धि के साथ तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर बुधवार को भोपाल के नीलम पार्क में प्रदेश भर के आवेदक प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में भाग लेने के लिए लगभग 100 से ज़्यादा आवेदक ग्वालियर से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। भोपाल आंदोलन में भाग लेने के लिए जा रहे आवेदक ब्रज किशोर राठौर, मंजू बसंत वंदना व अमृता राय का कहना था कि उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में सरकार ने 62,000 शिक्षकों के पद भरने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक ये पद नहीं भरे गए हैं। इसको लेकर आवेदकों ने प्रदेश सरकार से तीसरे चरण की काउंसलिंग पद वृद्धि के साथ कराने की मांग की है, जिससे शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को नौकरी का अवसर दोस्तों मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये आज के वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।